बाबा गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। एक बार बाबा गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ एक स्थान से गुजर रहे थे, तभी उनके सामने माँ काली प्रकट हुई और बाबा गोरखनाथ से कहा, तुम जिस स्थान पर खड़े हो वो मेरा स्थान है, अगर तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने शिष्य की या किसी एक पशु की बलि देनी होगी। ये सुनकर बाबा गोरखनाथ ने बहुत ही विनम्रता से माँ काली से कहा, माता मैं अपना जीवन बचाने के लिए किसी दूसरे जीव की बलि कैसे दे सकता हूँ, अपने शिष्यों और भक्तों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मुझे क्षमा करें। ये सुनकर माँ काली और आग बबूला हो गई और अभिमान में कहा, मैं ऐसी देवी हूँ जिसका क्रोध कोई भी साथ नहीं करवा सकता, चाहे वो कोई देवता या भगवान ही क्यों न हो। मैंने बड़े बड़े असुरों जैसे रक्तबीज और कुंभ और निकुंभ जैसे दानवों का वध किया है और तुम तो एक साधारण से ब्राह्मण हो, तुम्हें मेरे क्रोध से अब कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर बाबा गोरखनाथ को भी बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने माँ काली से कहा, माता आपको जो करना है वो करें, लेकिन मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आप भी ब्राह्मणों की शक्ति को कम मत समझिए। यही योगी तपस्वी हजारों वर्षों की तपस्या करके इस पृथ्वी को चलाए दिखते हैं। फिर माता काली ने बाबा गोरखनाथ पर अस्त्रों का प्रहार कर दिया और बाबा गोरखनाथ भीमा काली के अस्त्रों का जवाब अपने दिव्यास्त्रों से देने लगे। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिर में माँ काली ने एक नरभक्षी मक्खी का रूप धारण किया और बाबा गोरखनाथ के शरीर के अंदर जाकर उनके अंगों को अंदर से खाने लगी, जिससे बाबा गोरखनाथ को असहनीय पीड़ा होने लगी। ये देखकर सभी देवता समझ गए कि अब गोरखनाथ को कोई भी नहीं बचा सकता। बाबा गोरखनाथ भी इस दर्द को सह नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने अपनी योग विद्या के माध्यम से अपने शरीर को अंदर से पूरी तरह से बंद कर लिया और अपनी सांसों को भी रोक लिया। फिर बाबा गोरखनाथ भगवान शिव की स्तुति करने लगे और अपने तपोबल से अपने शरीर के अंदर एक भीषण अग्नि जलाने लगे। माँ काली इस ताप को सहन नहीं कर पा रही थी और तब उन्हें अपने अभिमान का एहसास हुआ और ये भी ज्ञात हुआ कि बाबा गोरखनाथ स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। उन्होंने बाबा गोरखनाथ से क्षमा याचना की और उनको इस भीषण अग्नि से मुक्ति देने की प्रार्थना की। बाबा गोरखनाथ ने माँ काली से कहा, हे माता मैं आपको मुक्त कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी तीन शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त थी कि माँ काली कभी भी अपने किसी भक्त से किसी जीव की बलि स्वीकार नहीं करेंगी, उनके भक्त श्रद्धा भाव से उन्हें जो भी चढ़ाएंगे उन्हें वो स्वीकार करना होगा। दूसरा, आप अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगी, आपके लिए सब एक समान ही होंगे। तीसरी और आखिरी शर्त थी कि माँ काली कभी भी किसी साधु या संत का अनादर नहीं करेंगी और उन्हें हमेशा सम्मान की दृष्टि से ही देखेंगी। माँ काली ये तीनों शर्तें मान जाती हैं और बाबा गोरखनाथ माँ काली को क्षमा करके उन्हें मुक्त कर देते हैं। बाबा गोरखनाथ से जुड़ी ऐसी कई महान चमत्कारी घटना है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए ऐसी ही चमत्कारी घटनाएं लाते रहेंगे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।